नमस्कार, मैं श्रेयोशी, स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। करियापुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थित करीब 5 एकड़ जिला परिषद भूमि अतिक्रमण कार्यों का भेंट चढ़ रही है। इस संबंध में बरही के पूर्व सीओ एवं वर्तमान सीओ को अवगत कराई गई है, किंतु किसी तरह का अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने जिला परिषद हजारीबाग एवं मुख्यमंत्री को भी आवेदन देकर इस संबंध में अवगत करा दी है, जिसके बाद भी किसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं होने पर प्रशासन पर अनगिनत सवाल उठने लगे हैं। ज्ञात है कि बरहीपुर सीओ संजय कुमार सिंह के आदेश के आलोक में उक्त स्थानों से अतिक्रमणकारियों के प्रति 65 लोगों के नाम से नोटिस भेजा था, लेकिन अब तक उन लोगों पर कोई जवाब तलब नहीं किया गया। मौजूद लोग बता रहे हैं कि कभी कभार प्रशासन द्वारा ठेले खुमचे व बाजार हटाने का प्रयास किया गया है, पर सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों के प्रति किसी तरह से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कार्रवाई होगी सर, जो करियापुर में जो जिला परिषद की भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा घेरा जा रहा है, पूरा तरह से मतलब पक्कीकरण कर दुकानें बनाई जा रही है? सभी लोगों पे अतिक्रमणवाद का नोटिस किया गया है और विधिवत प्रक्रिया अपनाकर सबको नोटिस 1 और नोटिस 2 का मिला कराया गया है। और हम लोगों ने रामनवमी के बाद का समय रखा है, जैसे ही ये पूजा का त्यौहार खत्म होगा हम लोग वहाँ पे अतिक्रमणवाद के तहत अतिक्रमण हटा देंगे। कितने आदमी पर नोटिस किया गया सर? लगभग 40 से 45 लोग हैं जिनको नोटिस किया गया है और किसी भी तत्काल निर्माण कार्य पर अभी रोक लगाई गई है। इस संदर्भ में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है कि किसी भी तरह का आगे फर्दर कोई भी निर्माण कार्य ना हो, और हम लोग अतिक्रमण पूजा के बाद और जैसे भी हम लोग समय मिलता है हम लोग उसको हटवा देंगे।